अब आपको 13 क्वेश्चन में क्या बोला गया है? अ रेशियो नंबर इज सच दैट व्हेन यू मल्टीप्लाई इट बाय 5 अपॉन 2 एंड ऐड 2 अपॉन 3 टू द प्रोडक्ट यू विल गेट -7 अपॉन 12। तो एक रेशनल नंबर है, इसका मतलब इन्होंने क्या बोला, एक रेशनल नंबर है जब हम उसमें मल्टीप्लाई करते हैं 5 अपॉन 2 का, और उसके रिजल्ट में जब हम प्लस करते हैं 2 अपॉन 3, तो हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है -7 अपॉन 12। ठीक है, ये हमसे बोला गया है। तो हमें ये रेशनल नंबर फाइंड करना है कि आखिर ये रेशनल नंबर है क्या। तो आपको पता है जो हमें फाइंड करना पड़ता है, हम उसको एक्स ले लेते हैं, तो इसकी इक्वेशन क्या बन जाएगी, एक्स इंटू 5/2, क्योंकि इनने बोला रेशनल नंबर में है, हम उसमें क्या करेंगे 5/2 का मल्टीप्लाई करेंगे, उसके प्रोडक्ट में हम क्या करेंगे 2/3 को क्या करेंगे प्लस करेंगे, तो आंसर आएगा -7/12। तो अब जो इक्वेशन हमने बना ली अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन में करके, हमने ऐसी इक्वेशन बना ली। अब आपको यही चीज़ क्या करना है, लिखना है। तो आप क्या लिखेंगे, लेट द रेशनल नंबर नंबर इक्वल्स टू एक्स, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन जो हमें दिया हुआ है, हमने ऐसा लिख लिया। ठीक है, अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, तो ये हो जाएगा 5x/2 प्लस 2/3 इक्वल्स टू -7/12। ठीक है, अब जो ये प्लस 2/3 है, हम इसको इधर पे ट्रांसपोज करेंगे, तो ये हो जाएगा माइनस का 2/3, तो इधर पे है -7/12 और इधर पे ये हो जाएगा -2/3। अब इसका हमें क्या करना है, एलसीएम ले लेना है। जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा 12, तो -7 रहेगा और इधर पे क्या हो जाएगा -8 इक्वल्स टू 5x/2। ठीक है, -15/12 आ जाएगा और इधर पे होगा 5x/2। जब हम इसको ट्रांसपोज करेंगे 2 के लिए, तो इधर पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इधर पे है डिवाइड में, इधर पे मल्टीप्लाई में हो जाएगा, और ये इधर पे क्या है, ये इधर पे है मल्टीप्लाई में, तो इधर पे जाके डिवाइड में हो जाएगा। तो जब हम इसको लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2/5। तो 2 1 ज़ा 2 6 ज़ा 5 1 ज़ा 5 3 ज़ा 3 1 ज़ा 3 2 ज़ा 6 इक्वल्स टू एक्स। तो एक्स इक्वल्स टू क्या आ गया, -1/2। ये आ गया आपका 13th क्वेश्चन का आंसर। हमारी जो रेशनल नंबर है वो -2 -1/2 है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब मैं आपको 14th क्वेश्चन में मिलती हूँ।